नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शहर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालक अब कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। शहर में लगाए गए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। इस सिस्टम का ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल होने के बाद यह सिस्टम पूरी तरह से यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के लिए लागू हो जाएगा। यातायात नियमों की अवहेलना करने पर ऑनलाइन चालान सीधे वाहन मालिक के पास पहुंच जाएगा। साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी यह सिस्टम महत्वपूर्ण साबित होगा। शहर के सभी चौक चौराहों और आउटर्स पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। हाई रेजोल्यूशन वाले इस कैमरों की मदद से दिन और रात शहर की निगरानी होगी। शहर में रफ्तार से ज्यादा गति होने पर वाहन का चालान होगा। साथ ही दुपहिया वाहनों पर ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर चालान मालिक के घर पहुंच जाएगा। चालान की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भी वाहन मालिक को पहुंच जाएगी। सीसीटीवी कैमरे में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से शहर का जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें जो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध कराए गए थे उन सभी की ट्रेनिंग भी कंप्लीट करा दी गई है। इसमें आगामी समय में ITMS के माध्यम से जो है ट्राफिक चालान की कार्रवाई, ट्राफिक की एक बेहतर मॉनिटरिंग, चौक चौराहों में जो पार्किंग को लेकर के दिक्कत होती है, लोग रूल्स का वायलेशन करते हैं, रॉन्ग लेन का डिटेक्शन करते हैं, स्पीडिंग करते हैं, तो ये सभी प्रकार के जो चालान्स हैं वो हम शीघ्र ही डिटेक्शन की स्थिति में होंगे और इसको जो पुलिस के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। रात को देखने में सक्षम इन कैमरों में वाहन का नंबर दर्ज होता है। जैसे ही कोई वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा उसका नंबर प्लेट इस कैमरे में ट्रैप हो जाएगा। कंट्रोल रूम में चालान बनेगा। इसके साथ ही किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल वाहन या क्षेत्र में हुई आपराधिक घटनाओं की जाँच के लिए भी यह कैमरे उपयोगी साबित होंगे। कैमरा पर्सन जय साहू राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल ने शनिवार को अपने कार्यालय में थानेदारों की बैठक ली। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर व्यवस्था बनाने के दिशा में कार्य करने कहा। गुम इंसान के मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए। पेंडिंग मामलों के निराकरण के लिए भी कहा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल ने बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि वरिष्ठ कार्यालय और थाने में जो शिकायतें आती हैं उसका तय समय सीमा के भीतर निकाल करें। वहीं ऐसे मामले जो अनसुलझे हुए हैं उस डिटेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आने पर वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन जरूर ले लें। शहर के सभी थाना प्रभारियों की और संबंधित जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी आज यहाँ पर मीटिंग ली गई थी। मीटिंग के दौरान वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त जो आदेश हैं उनसे उनको अवगत कराया गया तथा उस संदर्भ में कार्य करने के लिए निर्देश दिया गया। जिसमें गुम इंसान, गुम बालक बालिकाएँ हैं जिसके तहत इनके लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है उसमें अधिक से अधिक दस्तियाब करने के लिए तथा ऐसे व्यक्ति जो जिनके विरुद्ध अपराध अधिक है तथा जिनका भी गुंडा बदमाश निगरानी निकला है उनके लिए वो अब गुंडा सूची में लाए जाने के लिए निर्देश दिया गया तथा आगामी चुनाव है उनके परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया गया है। रिवर व्यू की चकाचौंध यानी चाय नाश्ता सहित विभिन्न प्रकार के स्टॉलों में दिखने वाले फूड आइटम्स की दुकानें यहां से हटाई जा रही हैं। दरअसल रिवर व्यू को और बेहतर करने के लिए नगर निगम यहां विस्तार कार्य कर रहा है। इसी के तहत कुछ आगे गोणपारा की तरफ ठेले गुमटियों को शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। रिवर व्यू में लगभग 18 गुमटियाँ थीं। दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद इनकी संख्या में वृद्धि भी होने का अनुमान है। स्नान पूर्णिमा के दिन 108 सुगंधित जल से स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए। उन्हें स्वस्थ होने के लिए औषधि युक्त काढ़ा पिलाया जा रहा है। भक्तों को भी प्रसाद के रूप में काढ़ा दिया जा रहा है। 19 जून को भगवान का नेत्र उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान स्वस्थ होकर नेत्र खोलेंगे और उसके अगले दिन 20 जून को भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूर्णिमा के बाद से जगन्नाथ मंदिरों के पट बंद हो चुके हैं। श्रद्धालु केवल मंदिर के बाहर ही मत्था टेक कर भगवान के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान के अस्वस्थ होने के दौरान श्रद्धालु हाल चाल जाने मंदिर के द्वार तक जाएं तो उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 4 तारीख स्नान पूर्णिमा, भगवान का स्नान पूर्णिमा था। भगवान प्रत्येक दिन दर्पण में स्नान करता है और स्नान पूर्णिमा का दिन 108 गंगा जल और सुभाषित जल में
108 घड़ा जो जल में भगवान को नहा लेता है, स्नान कराता है। 18 तारीख को भगवान का नेत्र उत्सव, उस दिन में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होके, फिर 20 तारीख को भगवान का रथ यात्रा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में मिस्टिंग मशीन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर राहत दे रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए इसे हर 10 मिनट में चालू किया जा रहा है। पानी की ठंडी फुहारों से लोगों को गर्मी में राहत मिल रही है। मशीन चालू होने से यहां एक नंबर प्लेटफॉर्म से आने जाने वाले समेत यहां बैठे यात्रियों को भी काफी राहत मिल रही है। गर्मी बढ़ने के बावजूद रेल अधिकारी प्लेटफॉर्म पर लगे वाटर मिस्टिंग मशीन को रोजाना शुरू नहीं करवा रहे थे। इसके कारण यहां पहुंचने वाले उन हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। तपते शेड और पंखे की गर्म हवाओं से यात्री परेशान हैं। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए रेलवे ने मिस्टिंग मशीन लगाई। इस मशीन के फवारों से प्लेटफॉर्म ठंडा बना रहता है। पिछले कुछ दिनों से यात्री इस कमी को महसूस कर रहे थे। भीषण गर्मी को देखते हुए अब इसे 10 मिनट के बाद चालू किया जा रहा है। ठंडी फवारों के बीच यात्री अपने ट्रेनों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। पानी के ठंडे फवारों से यात्रियों को सुकून भी मिल रहा है। अन्य प्लेटफॉर्म के यात्री जब गेट नंबर 1 से बाहर निकलते हैं तब वे यहाँ रुक कर ठंडकता का मजा लेने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। गर्मी में ये मिस्टिंग मशीन ही यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर सहारा बनी हुई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भीषण गर्मी ने लोकल ट्रेनों के यात्रियों की समस्या और बढ़ा दी है। ट्रेन के भीतर गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ये समस्या मेमू ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को हो रही है। जून के तीसरे सप्ताह में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पारा 44 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में ट्रेनों के भीतर बैठे यात्री काफी हलाकान हो रहे हैं। एक तो इन दिनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से नहीं चल रहे हैं, ऊपर से लोकल ट्रेन और जनरल कोच की भीड़ को इस भीषण गर्मी में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। शनिवार को जब रायगढ़ मेमू और टाटा इतवारी बिलासपुर स्टेशन पहुंची तब बिलासपुर स्टेशन का नजारा देखने लायक था। मेमू ट्रेन की बोगियों में बैठे यात्रियों का गर्मी से बुरा हाल था। इस ट्रेन के अंदर यात्रियों की इतनी भीड़ थी कि लोग फर्श पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर थे। ट्रेन में सवार यात्री पसीने से तर बतर नजर आए। ट्रेन से उतरने वाले यात्री स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे तो यहां भी उन्हें तपती शेड के नीचे से होकर गुजरना पड़ा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में केवल एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ही मिस्टिंग मशीन लगाई गई है। यह सुविधा यात्रियों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रही है। इस ट्रेन में तो पंखे भी ठीक से नहीं चल रहे हैं। यात्रियों में इसको लेकर रेलवे के खिलाफ खासी नाराजगी नजर आई। भीषण गर्मी में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री हलाकान दिखाई दिए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बकरीद पर्व को देखते हुए बकरा बाजार सजने लगे हैं। गांव देहात से बड़ी संख्या में बकरी पालन करने वाले लोग अपने जानवरों को लेकर बेचने शनिचरी के अलावा दूसरे बाजारों में पहुंच रहे हैं। ग्राहकों की भीड़ भी बकरा खरीदने उत्साहित नजर आ रही है। जून के आखिरी दिनों में मुसलमानों द्वारा कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाया जाएगा। इस मौके पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है। इसके लिए हर सक्षम मुसलमान बकरों को पसंद और खरीदी करने में लगा हुआ है। शनिवार को बिलासपुर शहर के शनिचरी बाजार में बड़ी संख्या में बकरा बेचने वाले व्यवसायी और ग्रामीण नजर आए। इस त्योहार के मद्देनजर कई व्यवसायी बकरों को महीनों और सालों से तैयार करते हैं। कुर्बानी के इच्छुक ग्राहक यहाँ पसंद के हिसाब से मोल भाव करते देखे गए। दोपहर यहां से एक 32,000 रुपए कीमती बकरा बेचा गया। हालांकि 10,000 रुपए से लेकर 50,000 से ऊपर तक के बकरे यहां बिकने के लिए पहुंचे थे। बकरीद का मौका है, 29 तारीख को बकरीद का त्यौहार है और बाजार काफ़ी महंगा है, इसलिए लोगों की भीड़ ज़्यादा दिख रही है, बकरों की बिक्री कम हो रही है। अभी सबसे हाईएस्ट बकरा 32,000 में एक बिका है जो जहांगीर के एक व्यापारी बेचे हैं। शुरुआत हुई है इनकी, 10,000 से महंगे बकरे बिके हैं अभी तक बाजार में। जैसे जैसे पर्व नजदीक आएगा बकरों की खरीदी बिक्री में और तेजी आ जाएगी। हालांकि कई ग्राहक खुद गांव देहात जाकर अपने पसंद का बकरा खरीद कर ले आते हैं। जिनके पास समय नहीं है या बाजार में बकरों को पसंद करने में दिलचस्पी रखते हैं, वैसे लोग इस तरह के बाजारों में पहुंचकर बकरा पसंद करते दिखाई देते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली बिलासपुर।
समय समय पर नगर निगम सड़क के किनारे की सरकारी दीवारों पर अलग अलग चित्र बनवाकर स्थल को सुंदर बनाने का प्रयास करता है। हाल ही में नई बनी सड़क के किनारे की दीवार और कई जगह की पुरानी दीवारों में इसका काम अभी भी कई जगह चल रहा है, मगर रिवर व्यू रोड में सिम्स परिसर की दीवार में बनाई गई कलाकृतियां अब बदरंग हो चली हैं। यहां से आने जाने वाले लोग अब इन दीवारों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। कई जगह की चित्रकारी पपड़ी बनकर उखड़ गई तो कई जगह कलर उधर चुका है। नगर निगम को चाहिए कि दूसरी दीवारों की तरह यहाँ भी एक बार फिर से कुछ नया कराएं, ताकि रिवर व्यू में आने वालों को यह स्थल पहले की तरह सुंदर लगने लगे। नूतन चौक के पास नाले की साफ सफाई के लिए हटाए गए चेंबर में होंडा सिटी कार गिर गई। घटना शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात की है। सूचना पर पहुंची राहत टीम ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। आरटीओ कार्यालय के वेबसाइट के अनुसार यह कार विकास लालवानी के नाम पर दर्ज है। इस घटना के पीछे नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। शुक्रवार की रात सड़क पर प्रैंक वीडियो बना रहे तीन नाबालिग सहित पांच लोगों को सिविल लाइन पुलिस ने पकड़ा और उन्हें थाने ले आई। थाना प्रभारी प्रवेश तिवारी के अनुसार तिफरा निवासी तिलक यादव और दीपक यादव अपने तीन नाबालिग साथियों के साथ वेयरहाउस रोड पर रात करीब 2:30 बजे प्रैंक वीडियो बना रहे थे। पुलिस ने सभी को समझाइश देकर थाने से छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ सरकार का कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों का शहर व प्रदेश में फ्लैक्स बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं अब राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की लोकल ट्रेनों में भी पोस्टर के जरिए छोटे स्टेशनों में अपनी योजनाओं का प्रचार करती नजर आ रही है। बिलासपुर रेल मंडल और रायपुर रेल मंडल में चलने वाली मेमू लोकल ट्रेन में छत्तीसगढ़ की उन तमाम योजनाओं का जिक्र है जो हाल ही में शुरू की गई हैं या चल रही हैं। वहीं जो कार्य 4.5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है उसका भी फ्लैक्स के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के लखना नेवापरा सेक्शन के बीच पुल निर्माण का काम किया जा रहा है। इसके लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया गया है। यह काम शनिवार को किया गया। इसकी वजह से रायपुर से चलने वाली 3 ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं एक ट्रेन को विशाखापट्टनम से देर से रवाना किया गया। प्रभावित होने वाली ट्रेनें रायपुर विशाखापट्टनम, रायपुर जूनागढ़ रोड और जूनागढ़ रोड रायपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रही। रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गड़बड़ी और अव्यवस्थाओं की शिकायत प्रशासन के अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य विभाग में की गई थी, जिसकी जांच तहसीलदार शिल्पा भगत के बाद शनिवार को नए CMHO डॉक्टर राजेश शुक्ला ने मौके पर जाकर की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और मिली शिकायतों के मद्देनजर भोजन सहित अन्य चीजों की जाँच की गई। राजेश शुक्ला ने यहाँ जाँच में बहुत ज्यादा कमियाँ नहीं पाई, मगर जो थोड़ी बहुत कमी थी उन्हें महसूस हुई, जिसे जल्द ठीक कराने का उन्होंने आश्वासन दिया। श्री शुक्ला ने कहा कि कुछ शासन स्तर की भी समस्याएं हैं, उसे भी दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर का आज मैंने निरीक्षण किया है और कुछ चीजें की कमी है, बाकी तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्डिंग अच्छा है, डॉक्टर भी पदस्थ है, तो जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। बीते दिनों तहसीलदार मैडम के द्वारा यहाँ जांच की गई थी, उसकी क्या जांच रिपोर्ट आपको सौंपी गई? नहीं, अभी तो जांच रिपोर्ट उनके द्वारा नहीं दी गई है, टेलीफोनिक बताया गया था। खाने के मेन्यू के बारे में जैसे प्रस्तावों की गई यहाँ, उसको अभी मैं देखूँगा, उसमें काफ़ी कमियाँ पाई गई। हाँ, उसी को अभी देखूँगा मीटिंग के बाद। नेहरू नगर मेन रोड मंगला चौक के पास स्थित श्री मंगला हॉस्पिटल में शनिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मंगला हॉस्पिटल के अलावा NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के डॉक्टर विशेष रूप से मौजूद रहे। शिविर का लाभ उठाने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पहुँचे थे। श्री मंगला हॉस्पिटल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों के बीच ले जाने और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास लगातार प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को श्री मंगला हॉस्पिटल बिलासपुर और NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ निःशुल्क ECG टेस्ट, पैप स्मियर, सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। एक्सरे और इको जाँच में 50% की छूट दी गई।
ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन में भी 20% की छूट देकर मरीजों को लाभान्वित किया गया। लगाए गए शिविर से यहां पहुंचे मरीजों को काफी राहत मिली। भरनी से आई हूं, मुफ्त में यहां शिविर लगा है, इसलिए इलाज करवाने के लिए डिलीवरी पेशेंट हूं, इसलिए और अच्छा लग रहा है यहां का माहौल देखकर। सभी चीज़ की सुविधा, पानी आदि, पंखा चीज़ की सभी की। हमारे कंपनी द्वारा निःशुल्क इलाज का किया जा रहा है, जिसमें नज़दीकी शहर से करीबन 400 से 500 लोग, हितग्राही एवं निम्न समाज के लोग आज हमारे यहाँ अस्पताल में आकर के निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं, जिसमें कि सोनोग्राफी भी निःशुल्क की जा रही है। हमारे यहाँ MMI एवं नारायण हृदयालय और मंगला हॉस्पिटल के जो विशेष डॉक्टर्स हैं, सभी लोग मिलकर के आज यहाँ पर निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। दोनों अस्पताल के प्रमुख डॉक्टरों ने इस तरह के स्वास्थ्य शिविर को गरीब और कमजोर तबके के मरीजों के लिए बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि उनके हॉस्पिटल में जांच के साथ साथ इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां विभिन्न रोगों के कई विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे। बिलासपुर फेरी आसपास क्षेत्र के हजारों की संख्या पे यहाँ पर लोग अपना इलाज कराने पहुँचे हुए हैं। मंगला हॉस्पिटल के द्वारा गरीबों का आज हमारे अस्पताल पर निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से ECG सोनोग्राफी में हम बिल्कुल फ्री रखे हैं, जिसका मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और भी जो स्पेसिफिक कोई जांच हो रही है उसमें भी हमारी अस्पताल के द्वारा उसका डिस्काउंट रेट पे अपन मरीजों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी ये योजना है कि हम लगातार जब जब भी हमें ऐसा लगे तो हम मंगला हॉस्पिटल के द्वारा गरीबों को अपनी ओर से इसी प्रकार से बीच बीच में चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इस कैंप में हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ, किडनी रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ, आंत रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, कैंसर एवं रेडियोथेरेपी विशेषज्ञ, गरीब और निम्न तबके के मरीजों के लिए निःशुल्क ECG, निःशुल्क पैप्समियर, निःशुल्क सोनोग्राफी और एक्सरे और ECG जांच में 50% की छूट के साथ में हमने यहां पे व्यवस्था की है। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक लगभग 400 से अधिक लोगों ने यहां अपने मर्ज की जांच कराकर आवश्यक सुझाव प्राप्त किया, साथ ही विभिन्न जांच कराकर शिविर का लाभ उठाया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। हमारे लोकसभा टीवी की तमाम खबरें अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।